तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन इंसर्जेंस। तो लास्ट एपिसोड में गए हम लोग एक ब्रांड न्यू सिटी में आए थे और वहाँ पे जो पोकेमोन ट्रेनर स्कूल था वहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला था, पर हमें पता चला कि टूर्नामेंट में से एक लड़की नहीं आई है और मैं उसको ढूंढ रहा था यहाँ, और मैं इस केव में आ गया था। और साथ ही साथ में हमारा चार्मेंडर इवॉल्व हो गया था चार्मिलियन में, देख सकते हो तुम्हारे पीछे। और अभी हम लोग गए थे इस केव में उसे ढूंढने वाले हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस केव में है या नहीं, पर शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है इसी केव में होगी। और ये ट्रेनर है तो मैं इसको हराता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके गाइस, आई एम बैक और मैं एक्चुअली एक बार हील करके भी आ गया हूँ क्योंकि मेरे पोकेमोन की एचपी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी, तो इसलिए मैं पोकेमोन सेंटर जाके हील करके भी आ गया। और साथ ही मैं थोड़ी सी रिपेल्स भी ले आया क्योंकि भाई इस केव में भाई पोकेमोन भर भर के आने वाले हैं, ये देखो। तो अभी मैं यूज़ कर लेता हूँ एक रिपेल जल्दी से ताकि भाई ये पोकेमोन आना बंद हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई ढंग का पोकेमोन आएगा, तो इसलिए यूज़ कर ही लेते हैं भाई रिपेल। कहाँ गया आइटम्स में, नहीं यहाँ पर होगा। हाँ ओके गाइस, तो एक रिपेल हम लोगों ने यूज़ कर लिया है। अब कम से कम अगले 100 कदम तक कोई पोकेमोन नहीं आएगा। और यहाँ पर हमें थोड़ा देख देख के चलना होगा। ओके अनदर ट्रेनर, तो चलो गाइस मैं इसको भी हराता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके गाइस, सेकंड टाइम और फाइनली भाई मैंने इसको हरा दिया। और सेकंड टाइम इसलिए क्योंकि मैं पहली बार इससे हार गया था बिकॉज ऑफ हिज गाइस फेरी टाइप पोकेमोन। तो पता है गाइस मेरी टीम में 4 मिलियन ही है जो भाई मेन पोकेमोन्स को हराता है, पर भाई जब फेरी टाइप पोकेमोन आ जाते हैं ना तब बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके पास एक फ्लबे भी था, पर थैंक गॉड मैंने इंडोरैन को रखा हुआ है टीम में, इसी वजह से भाई इस बार मैं जीत गया। ओके रिपेल, हाँ भाई मुझे यूज़ करना है और मैं थोड़े से और इस बार पोशन ख़रीद के ले आया था। ओके अनदर ट्रेनर, चलो ये वाली बैटल गाइस में तुम्हें दिखा देता हूँ। ओह मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है क्या? हाँ एक्चुअली। ओके मैग्नम वाइट, जल्दी जल्दी हराते हैं गाइस इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 पोकेमोन है इसके पास। बट मैं बस होप करता हूँ कि कोई फेरी टाइप ना हो। ओके ये तो ज़्यादा इफेक्ट किया नहीं है ट्विस्टर, शेडो स्निक करके देखते हैं। ओह लॉट्स ऑफ डैमेज, अबे यार ये पैरालाइज, और भाई मेरे पास अभी पैरालाइज हील भी नहीं होगी। ओके ओ भाई बच गया क्या यार, ये एचपी पे बच रहे हैं ये लूलू पोकेमोन। ट्विस्टर करते हैं, ख़त्म करते हैं गाइस इसको। देखो भाई 2 अटैक एक्स्ट्रा लग गए, अगर उसी अटैक में भाई ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा होता। ओके बट फाइनली ये ख़त्म हो गया। और अभी दूसरा पोकेमोन कौन सा है भाई तेरा? वो लेवल अप या बॉय चामिल गाइस हमारा लेवल अप हो चुका है 19 लेवल पे। मैं ऐसे सोच रहा हूँ गाइस मैं 20-22 तक कर दूँ ताकि फर्स्ट जिम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ओके इमोल का फ्लाइंग टाइप है, चलो भाई मैं इसको ही रखता हूँ। ओके गाइस शैडो स्निक यूज़ करते हैं और मुझे एक्चुअली अभी एक पोशन मार लेना चाहिए शायद। ओके इसने अपना डिफेंस बढ़ाया तो अभी यूज़ नहीं करते गाइस। अबे यार ये पैरालाइज, अभी तो गाइस ये सिर्फ अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा रही है। ओके शैडो स्निक डूइंग लॉट्स ऑफ डैमेज बॉय। ओ भाई अब शायद मुझे पोशन यूज़ करना पड़े, पर मेला अटैक शायद जल्दी घटेगा इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। अभी नेक्स्ट पोकेमोन के लिए गाइस मुझे पोशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके अच्छी खासी एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई इन लोगों को हरा के। केव का यही गाइस फ़ायदा होता है कि एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। ओके पाची रीतु आ रहा है तो फिर मैं निडोरैन को निकालने वाला हूँ। ओ भाई निडोरैन की भी लगी पड़ी है। चलो निकाल के मैं 4 मिलियन को एक बार हील कर देता हूँ। ओके पाची रीसु, ओके जल्दी जल्दी है जिसे हील करते हैं अपन लोग। सुपर पोशन या पोशन से हो जाएगा क्या, देखता हूँ गाइस इसमें। ओ बिल्कुल नहीं होगा, सुपर पोशन यूज़ करना पड़ेगा भाई। भाई स्टोर में अभी तक भाई सुपर पोशन आए भी नहीं है, पता नहीं क्यों भाई।
मतलब भाई अब इतनी ज़्यादा लेवल हो चुकी है तो भाई सुपर पोशन की ज़रूरत पड़ती है, पोशन से काम ना होता। उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जाए भाई। एक चांस यूज़ कर लेते हैं गाइस, पॉइजन स्टिंग यूज़ करके देख लेते हैं। हो सकता है ये पॉइजन हो जाए यहाँ पर। ओके नहीं हुई तो अब स्विच करते हैं। लेट्स स्विच चैमेलियन बॉय। बाकी तो गया। ओके और गाइस मैं तुम्हें हर एक बैटल इसलिए नहीं दिखा क्योंकि भाई बैटल बहुत लंबी चलती हैं। हर एक ट्रेनर के पास भाई दो दो तीन तीन पोकेमॉन होते हैं, जबकि नॉर्मल पोकेमॉन गेम में भाई एक से ज़्यादा ही होता है। अब एआई पैरालाइज भाई परेशान कर रहा है अलग से। अब फिर से लगता है भाई मुझे ट्विस्टर यूज़ ही करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि शैडो सिंह तो बार बार पैरालाइज हो रहा है। ओ भाई स्पार्क से ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा, लेकिन भाई हमारे ट्विस्टर से भी तो ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा, प्रॉब्लम ये है। ओके लेट्स डू वन थिंग गाइस, इसे कंफ्यूज कर लेते हैं। हम पैरालाइज हैं तो वो कंफ्यूज होगा भाई। ओके ये क्रिटिकल हिट था। ओके पाची रिसू दे वो, और एक बार यूज़ करके देख लेता हूँ भाई मैं शैडो स्नीक। ओके इस बार लग गया, थैंक गॉड। ओके कंफ्यूजन से खुद को हिट कर ले भाई प्लीज़। ओके नहीं किया पर चलो हार जाएगी भाई इस बार। और जस्ट इन केस भाई शैडो स्नीक यूज़ ना हो इसलिए भाई मैं ट्विस्टर यूज़ कर रहा हूँ। भाई फिर भी इसने बहुत, अबे यार ये पैरालाइज मरवाएगा भाई मुझे लग रहा है। प्लीज़ मरियो मत। ओके मरा तो नहीं, अबे यार। ओके भाई मुझे पोशन यूज़ करना पड़ेगा, बर्निंग अवेकनिंग मेरे पास भाई पड़ी भी नहीं है पैरालाइजिंग। ओके लेट्स हील। ओके स्पार्क भाई ये पैरालाइज भाई दिमाग ख़राब करके रखा है। आई होप भाई मुझे इस गेम में एक पैरालाइज हील मिल जाए, नहीं तो भाई दिक्कत हो सकती है भाई। ओके फाइनली प्लीज डाय बॉय, मुझे पहले अभी हील करना पड़ेगा। अच्छा है भाई मैं पोशन लेकर आया था। ओके भाई लो लेवल के पोकेमॉन भी कितना ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। ओके लेट्स सी फर्स्ट, एक इसको, उसको तो भाई दो लगेंगे। ओके लेट्स गो बॉय। ओके वहाँ पे एक टीएम है शायद, पर वो सर्फ लेकर ही मिलेगा। ओके यहाँ से नीचे तो भाई नहीं जाना बिल्कुल भी नहीं। ओके एक्चुअली ये केव एग्जिट आ चुकी है पर वो हमें नहीं मिली यार लड़की। मैं इस साइड से क्यों आ गया भाई। ओके मुझे इस साइड से जाना है। ओके लेट्स गो, रिपेयर वर्क ऑफ, रिपेयर ख़त्म हो गई क्या मेरी या मैंने भाई यूज़ कर ली जल्दी जल्दी पता नहीं चला। ओके अभी केव वॉल भी बची हुई है। ओके ठीक है भाई। ओ भाई कहाँ जा रहा है ये रास्ता भाई, ये तो कहीं नहीं गया। दिस रॉक लुक्स ब्रेकेबल, ओ अच्छी ब्रेक। ओ भाई इसमें भाई ये गेम क्या है भाई, मतलब डबल नीडोरैन की डबल किक से भाई हम लोगों ने ब्रॉक ब्रेक कर दी। मैंने तो भाई इसे इसलिए किया था कि कहीं कोई हिडन आइटम ना हो। ओके ये रही है जो बंदी, पहले मैं स्लो कर लेता हूँ गेम। और लाइक द फॉसेस आर इन प्लेस, यू कैन डू इट सेलेबी, आई बिलीव इन यू सेलेबी। ओ भाई मूव दिस फॉसेस थ्रू टाइम। भाई ये लड़की भाई सच में ट्रेनर स्कूल में है भाई, सेलेबी लेकिन रही है यू सीक्रेट। ओके गाइस पता नहीं क्योंकि मेरा गेम क्रैश हो गया था और मुझे फिर से यहीं तक करना पड़ा, बट फाइनली अब हो गया है तो अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। मूव दिस फोर्सेस थ्रू टाइम यूज टेरा सेक्ट। हाँ भाई ये हुआ था एक्चुअली, यू डिड इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। भाई इस लड़की के पास सेलेबी कहाँ से आई, वो भाई इसने फोर्सेस से पोकेमॉन को जिंदा कर दिया यहाँ पे। आई कांट बिलीव इट, ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ। एक सेकेंड, आर्माल्डो बेशन कबूटॉप्स एंड ओमा स्टार। ओके ये चारों इस पोकेमॉन के नाम है इनके। Who would have ever thought they'd see the light of day again? You can turn them back now, Celebi. I think we are done today. एक सेकेंड भाई इसने पहले उन्हें जिंदा किया फिर से भाई उन्हें फॉसिल्स बना दिया। I can't believe how far we've
भाई देख लिया इसने, हु आर यू, हाउ मच डिड यू सी, लुक आई डोंट नो हु आर यू, हु यू आर सॉरी, बट यू कांट टेल एनी वन अबाउट दिस, आई एम इन ग्रेव डेंजर. हाँ भाई ठीक है, नहीं बताएंगे, पर था क्या, वॉट वॉज दैट, ओ भाई म्यू आ गया, म्यू आ गया, म्यू आ गया भाई, ओए सेल भी म्यू की दोस्ती हो गई, इज दैट, कुड इट बी यू वेर चूजन बाय म्यू, आई थॉट आई वॉज ओनली द ओनली वन, बट इफ यू आर ऑल्सो चूजन देम, आई शुड प्रॉपरली एक्सप्लेन, नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट, बट अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ प्रोफेसी रिटन अबाउट टोरन, बडी नो बडी नोज इट वर्ड फॉर वर्ड, बट इट टॉक्स अबाउट द कल्ट्स एंड द ऑगर. आई सेड दैट अ ट्रेनर चूजन बाय वन ऑफ द लेजेंडरी पोकेमॉन वुड बी द वन टू फाइंड एंड डिफीट द कल्ट्स. तो भाई ये हम है क्या, वो चुने हुए इंसान, मतलब चुने हुए इंसान. इट ऑल्सो सेड दैट द लेजेंडरी वुड बी एन लक्ज़ूरियस वन, यू नो लाइक म्यू, विक्टिनी एंड हुपा. ओके, व्हेन दे फाउंड आउट द कल्टेड वॉन्ट द रिड द वर्ल्ड ऑफ द ट्रेनर. ओके, पीपल वेयर टेरिफाइड, नो डी नो हु दिस हीरो वॉज, एंड दे फर्ड ही और शी माइट नेवर अपियर, बट देम द फर्स्ट ऑगर केम एंड ही प्रोटेक्टेड अस. अच्छा, ही वॉज इनक्रेडिबल, ही टुक आउट हाफ द कल्ट ऑन हिज ओन, बट ही डिसअपियर्ड अ ईयर अगो. People think a prophecy, what about him? Because he was friends with Hoopa, a legendary Pokemon. Oh, इसके पास Hoopa था क्या? But he is gone now. Nobody knows where is he. The second ogre has taken his place and I don't think he was chosen by anyone. हाँ भाई बिल्कुल नहीं हो सकता वो. That's why I can't let anyone know about Salabe. I'm afraid they'll all come after me. हाँ भाई सही बात है, बताना भी मत, मैं भी भाई म्यू के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा. I have to train down here in secret. I mean, I don't think I am the hero of the prophecy, but if Mew choose you, then the prophecy could be about either of us. There might even be others. You can't let anyone know that Mew chosen you. It hasn't joined your team yet, has it? That's probably why it's cornered that if it does, you might become a target. Haan bhai, theek hai, nahin bataunga. So be carefully from now. We are too valuable to risk. But anyway, what are you doing down here? Bhai, tujhe main bulane aaya tha. The tournament? The trainer school? I completely forgot. Haan bhai, chal jaldi. Well, I better head up there and fast if you hurry too much. Participate in the tournament. Haan bhai, theek hai, chalte hain. Okay. Okay, bhai, to ye fossils jinko inka zinda kiya tha, hum utha sakte hain kya? ओके उठा सकते हैं भाई, चलो उठा लेते हैं फिर भाई, क्या पता बाद में काम आ जाए, क्या पता बाद में भाई हमें ट्रांसफॉर्म कर पाए पोकेमॉन में. ओके, हमारे पास भाई फिर चार चार वो एंशिएंट पोकेमॉन हो जाएंगे. ओके गाइस, तो अभी हम लोग वापस वहीं पर चलते हैं और फिर मैं तुमसे मिलता हूँ. ओके गाइस, आई एम आउट ऑफ दिस केव और अभी अपन लोग सबसे पहले हील करते हैं, उसके बाद अपन लोग ट्रेनर स्कूल के टूर्नामेंट में जाएंगे. तो जल्दी से चल के फटाफट अपन लोग हील करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, काम करता हूँ. ओके अब ठीक है भाई, और ट्रेनर स्कूल की बैटल के पास गई, हम लोग एंड करेंगे इस एपिसोड का. ओके लेट्स री फर्स्ट, और पोशंस मैंने खरीद ही लिए थे, वो पोशंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है. एक पैरालाइज हील मिल जाती तो यार ठीक रहता, नहीं भाई अब चलो नहीं है, क्योंकि भाई कभी कभी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन आते हैं वो पैरालाइज कर देते हैं, वो प्रॉब्लम होती है. बट कोई बात नहीं भाई, चलते हैं अभी ट्रेनर स्कूल के अंदर. इस सिटी में आई डोंट थिंक सो कोई जिम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फिर से नॉर्मल मोड कर लेता हूँ. ओके हाँ भाई चलो बैटल करते हैं. हरी अप, आर यू गोइंग टू जॉइन अप और नॉट? हाँ भाई करना है, ओके इससे बात करनी है. हे रे राइट, थैंक यू फॉर फाइंडिंग नोरा फॉर मी. अरे अच्छा उसका नाम नोरा था भाई, मैंने पहले पढ़ा नहीं. नाउ दैट यू आर हियर वी कैन फाइनली गेट स्टार्टेड विद दिस टूर्नामेंट, एवरीवन इज़ वेटिंग. हाँ भाई चलो. ओ भाई मुझे एक बार सेव कर देना चाहिए था यार, अभी मौका मिलेगा क्या? वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट वी आर हैड येट. We have two new students from Telnor Town, Damien and Ray. I think we are all excited to see how will they do.
को भाई, लेट्स बिगिन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके भाई चलो, टुडे वी हैव 8 वेरी ईगर स्टूडेंट। ओके तो ये है गाइस, पहली बैटल मेरी और काइल के बीच में होगी, सेकेंड बैटल होगी टोपी और डेमियन, जिसमें डेमियन जीतेगा, फर्स्ट वाली में तो मैं जीतूंगा, तीसरी होगी तमारा और नूरा, जिसमें नूरा जीतेगी, और चौथी होगी डैनियल और साइमन, तो इसमें मुझे नहीं पता। दिस विल बी द बैटल बिटवीन डे एंड काइल। हाँ भाई, और फिर जो चार लोग जीतेंगे वो फिर आगे जाके बैटल करेंगे। ओके, इसके पास चायरोक है, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि अपन लोग जल्दी जल्दी हराएंगे। ओके टायरोक है, तो सबसे पहले शैडो स्नीक करते हैं, देखते हैं गाइस कितना डैमेज पड़ेगा। ओके ठीक ठाक पड़ा भाई। इस फोरा साइड से मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इस मूव से होता क्या है, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है भाई, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ओके चलो, इसका टायरोक गया, डियोलू, अरे भाई डियोलू मुझे भी चाहिए यार, एक डियोलू कोई मुझे भी दे दो प्लीज। ओके ये तो नहीं देगी भाई हमें, सब क्या पता है। ओके ट्विस्टेड यूज़ करते हैं। ओके हाफ हेल्थ चली जाएगी भाई। ओके एक और ट्विस्टर से इस काम हो जाएगा रियोलू का, काउंटर अटैक तो भाई कुछ काम नहीं किया इसका। ओके देर वी गो गाइस, इजी फर्स्ट बैटल हम लोग जीत चुके हैं। ओके ये एक्चुअली निंजा थी काइल, मैंने अभी नोटिस किया। वाओ व्हाट एन एक्साइटमेंट फर्स्ट राउंड, द स्टेडियम इज गेटिंग हीटेड अप एंड द कॉन्टेस्टेंट्स आर ऑन फायर। या बॉय लेट्स टर्न आवर अटेंडेंस बैक टू द स्कोर बोर्ड फॉर द रिजल्ट्स। भाई सबके बैटल हो गए क्या? भाई देखो फर्स्ट बैटल में मैं जीता, सेकंड में डेमियन, थर्ड में नोरा और उसमें साइमन जीत गया। ओके लेट्स द बैटल बिगिन। ओके इस बार भाई मेरे और डेमियन के बीच में हो रही है, और उस तरफ नोरा और उस लड़की के बीच में हो रही है साइमन। ओ भाई डेमियन के पास 3 पोकेमोन आ गए और फिनिश। या मस्त पोकेमोन था भाई ये। अब यार मुझे इसका यूज नहीं करना था यार, एक मूव वेस्ट हो गया, सॉरी फॉर द गाइस मैसेज। ऑक्टोपस से भाई इसने अपनी डिफेंस बढ़ा लिया। ओके लॉट्स ऑफ डैमेज ऑफ ट्विस्टर, हमारा क्या डिफेंस कम किया इसने। ओके कोई बात नहीं भाई, कॉर्फिश तो गया, अभी इसका स्कॉटल बचा है, वॉटोटल भाई इसका भी स्कॉटल इन्वॉल्व हो गया, अभी भाई मैं उसे निकाल रहा हूँ। इसका स्कॉटल भाई मुझे अच्छे से याद है डार्क टाइप था, तो भाई वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, तो भाई नीडोरैन को निकाल रहा हूँ मैं। अरे नीडोरैन क्या ही कर लेगा भाई, क्या मस्त लग रहा है भाई इसका वॉटोटल। ओके पॉइजन स्टिंग करके देखते हैं गाइस, क्या पता पॉइजन हो जाए। भाई ये फ्लिंच चौक कर गया भाई, मैं तो ग्राउल कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा भाई ये डैमेज कर पाएगा, तो भाई मैं इसका कम से कम डिफेंस कम कर देता हूँ, मरियो मत यार। ओके अटैक कम हो गया, चलो जो भी कम हुआ हो भाई, कम तो हुआ कुछ। ओके नीरोन तो हार गया भाई, पर चलो अपने पास अभी भी अपना चार्मेंडर है, और हमारा चार्मेंडर से 2 लेवल ज़्यादा है, उसका अटैक भी हमने कम कर दिया एक बार, तो अच्छी बात है। घोस्ट टाइप तो भाई इफेक्ट करेंगे नहीं, ट्विस्टर ही जितवा सकता है। ओके वो टोटल फ्लिंच्ड, क्या बात है भाई, एक और बार फ्लिंच्ड होगा भाई। विदड्रॉ, ओके भाई इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया, अटैक कम किया तो हमने डिफेंस बढ़ा लिया। ओके जीत जाएंगे गाइस शायद हम, अगर इसने वो यूज़ नहीं किया बाइट, बाइट में गाइस हम लोग 1 हिट हो सकते हैं, बट आई थिंक हम लोग जीत गए। तुम भी यार एक 1 HP पे रह गया, मैं ट्विस्टर यूज़ करने वाला हूँ क्या। चार्मेंडर कांट यूज द सेम मूव इन अ रोड ड्यू टॉर्मेंट। अबे यार शैडो स्निंग इसके ऊपर इफेक्ट करेगा नहीं, अरे करेगा, चलो कोई बात नहीं, 1 HP थी वेज मर गया। थर्ड पोकेमोन इसका है लक्सियो, लक्सियो भी मस्त है भाई, शैडो स्निक करते हैं भाई। कोई भी मूव लगातार यूज़ नहीं कर सकते इस टूर्नामेंट की वजह से, मतलब टॉर्मेंट की वजह से सॉरी, और चलो एक एक मूव चेंज कर करके यूज़ करेंगे गाइस अपन लोग। स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया, अब शैडो स्निक यूज़ करना पड़ेगा। ओके इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। ओके
फाक से भाई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। आई होप भाई ये लोग हील कर देते हो, क्योंकि अगर ये लोग हील नहीं करेंगे फिर तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे हाँ यार तेरा टॉर्मेंट। ओके लक्सी हो गया आई थिंक, या बच गया। ओके बच गया। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि भाई टॉर्मेंट है। ओके पर अब गया भाई इसका लक्सी हो, और डेमियन को भी हम लोगों ने हरा दिया है गाइस। और अब हम लोग फाइनल में लड़ेंगे नोरा से। नोरा ही जीती होगी भाई। व्हाट स्पेक्टुलर मैचेस दीज ट्रेनर्स आर रियली गिविंग इट ऑल। लेट डायरेक्ट टू अटेंडेंस एट द स्कोर बोर्ड वन फाइनल टाइम। ऑलरेडी इट्स ऑल सेट या बॉय। मेरे वर्सेस नोरा के बीच में होने वाली द फाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट विल बी बिटवीन रे एंड नोरा। मे द बेस्ट ट्रेनर मैन या बॉय, बेस्ट ट्रेनर जीतेगा और बेस्ट ट्रेनर मैं हूँ। ओके स्वॉर्डल आया है। स्वॉर्डल एक्चुअली इस बक टाइप है तो अब मुझे अच्छे से याद नहीं है भाई। इस बक टाइप आई थिंक साइकिक टाइप के खिलाफ इफेक्टिव होते हैं, घोस्ट के खिलाफ नहीं होते जहाँ तक मुझे याद है। ओके स्पीड कम किया भाई इसने। ये अब ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं है। चलो फर्स्ट राउंड तो भाई हम लोग ईजिली जीत जाएंगे। अब उसके बाकी के दो पोकेमोन कौन से हैं वो मुझे नहीं पता। सेलीबी तो नहीं होगी भाई, इतना मुझे पता है। भाई सेलीबी बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग सिर्फ मदद के टाइम पे न्यू को बुला सकते हैं, वैसे वो भी सिर्फ एमरजेंसी में ही उस सेलीबी को बुला सकती है। टपंच अरे यार एक टपंच मुझे भी चाहिए भाई। मस्त फ्लाई वन बनाऊँगा मैं उसे। और इस गेम में तो भाई मेगा एवोल्यूशन भी है मस्त। और मैंने सुना है भाई इस गेम में मेगा फ्लाई वन भी है, कुछ फैन मेड मेगा एवोल्यूशन भी हैं इस गेम में। अच्छा रहेगा भाई। ओके शैडो स्निक यूज़ करते हैं। ओके शैडो स्निक डू अ लॉट्स ऑफ डैमेज भाई। ओ भाई बोल दो उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा। स्पीड ऊपर से और कम हो गई भाई। ओके आज मैं कन्फ्यूज ये कर रहा हूँ, अगर ट्रिपंच की स्पीड काफ़ी स्लो होती तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओ भाई फिर भाई इसने बुलडोज यूज़ कर लिया। प्लीज़ मरियू मत यार, मरियू मत, मरियू मत, मरियू। मर गया भाई। ये बैटल तो गई काम से भाई, ये बैटल ना जीतने वाले हम, ये बैटल तो भाई हम ना जीतने वाले। ओके ये बैटल तो भाई गई हाथ से। डबल किक। ओके ज़्यादा कुछ लीडोरा नहीं आया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। मैंने भाई उसे ढंग से लेवल अप भी नहीं कर रखा। ऊपर से भाई इसके ऊपर फ़र्क भी नहीं पड़ रहा उसका। यार मुझे कन्फ्यूज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मैं ट्विस्टर इस्तेमाल करता भाई एक बार मर जाता ये। ओके ये तो गया, मैं इसका फाइनल पोकेमॉन आ रहा है। भाई ऊपर से इनको मार के एक्सपीरियंस तक नहीं मिलता यार, तो फ़र्क ही क्या है भाई टूर्नामेंट जीत कर भी। पर फिर भी वही अच्छा लगता अगर जीतते तो, पर कोई बात नहीं। डबल किक से भाई कुछ ना हो पा रहा। अब मैं भाई पोशन भी वेस्ट नहीं करने वाला, यही मुझे पता है मैं हारने वाला हूँ। ओके पॉइजन हो गया। ओके भाई एक लास्ट टाइम डबल किक यूज़ नहीं होगी मुझे पता है। फिर गाइस हम लोग हार चुके हैं, सैड बट अब भाई क्या कर सकते हैं। वी होप टू सी यू अगेन। ओ भाई ओके गाइस मैं दोबारा बैटल वहाँ तक नूरा तक नूरों का हराने तक पहुँचता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके गाइस अनदर बैटल बिटवीन मी एंड नोरा। मैं फिर से यहाँ तक आ चुका हूँ। इस बार भाई मैं इस नोरा को पक्का हराऊंगा। पिछली बार भाई थोड़ी गड़बड़ हो गई थी बट इस बार हम लोग पक्का जीतेंगे भाई। भाई एक तो स्पीड भी कम कर रही है ना उसके लिए स्वॉर्डल। और भाई हमारी टीम में बस यही है भाई चामिलियन जो कुछ अच्छा करता है। और सॉरी भाई बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। ओके ओके इसका स्वॉर्डल तो गया पर भाई हमारी स्पीड बहुत कम करके गया। ओके ट्रपंच के लिए मैं स्विच नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है इंडोरा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ओके मैं भाई यही यूज़ करने वाला हूँ ट्विस्टर। और बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा बुलडोज इस्तेमाल ना करे क्योंकि इसने पहली बार तो किया
और इस बार भाई मैं हील करूँगा पक्का, चाहे मिले को अगर ज़्यादा एच पी कम होती है तो। ओके वन मोर ट्विस्टर, यप देयर वी गो, सैंटूम अटैक मिस्ट, बहुत बढ़िया भाई। और एक और ट्विस्टर में भाई इसके ट्रपिंच का भी खेल ख़त्म। इस बार भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक गलती एक ही बार करता हूँ, दूसरी बार नहीं करता। इस बार हम लोग पक्का जीतेंगे। और अरे यार मुझे स्विच करके भाई इसे ही कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं भाई जीत जाएंगे भाई। ओके अबे यार ये बन कहाँ से हो गया। ओके देयर इज़ अ प्रॉब्लम गाइस, इससे ज़्यादा डैमेज भी नहीं पड़ा। ओके आज मैं स्विच कर रहा हूँ, मैं इस बार तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। निडन कम ऑन आउट, निडन भाई इसे दो टर्न्स के लिए तो संभाल ही लेगी, मतलब संभाल लेना चाहिए। ओके मुझे ये नहीं करना भाई, मैं सबसे पहले भाई इसका बर्न हटाता हूँ, या फिर पहले गाइस मैं एक काम करता हूँ इसे हील कर देता हूँ। ओ भाई पोशन से काम नहीं चलेगा, सुपर पोशन लेना पड़ेगा। ओके लेट्स गिव हिम अ सुपर पोशन। ओके अगर ये एक और अटैक झेल लिया निडोरैन ने, जो कि ये नहीं झेल पाया बिकॉज ऑफ क्रिटिकल हिट, भाई अगर निडोरैन झेल लेता ना एक और अटैक तो भाई मैं इसे बर्न से और हील कर देता। तो चलो भाई कोई बात नहीं, अब क्यों जा रहा हूँ भाई मैं बैग में। ओके डायरेक्ट गाइस हम लोग शैडो स्नीक करते हैं, क्योंकि ट्विस्टर से तो ज़्यादा डैमेज हो नहीं रहा। शैडो स्नीक से भाई और भी ज़्यादा कम हो रहा है। ओके सबसे पहले भाई जो सबसे अच्छी चीज़ अपन लोग करते हैं वो करते हैं भाई इसे कंफ्यूज करना। ओके अब ये कम से कम हो सकता है अब खुद को मार ले, लेकिन इस बार तो नहीं मारा इसने। ओके चलो भाई अपन लोग ट्विस्टर के साथ ही कंटिन्यू रखते हैं। अनदर ट्विस्टर एंड ओके प्लीज हिट कर ले खुद को, लव बॉय अब जीत जाएंगे भाई अपन लोग बहुत आराम से। अब भाई ये कुछ ना कर पा रहा हमारा, अब भैया तुम कुछ ना कर पा रहे हमारा। देयर वी गो गाइस, देयर वी गो, हम लोग जीत चुके हैं। इजी तो नहीं कहूँगा, बहुत हार्ड था भाई। What an amazing battle! Both the trainers, एक सेकेंड राइट ओके, both the trainers put up a great fight, but oh our very own Ray was the one to come out on top. Your boy, congratulations Ray, you have certainly earned today's title of champion. भाई कुछ prize वाइज मिलेगा, अच्छा that's all we have time for. हाँ भाई ठीक है, fantastic tournament. It looks like usually champion Nora has been topper. और भाई इस बार हम जीते, कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर न्यू चैम्पियन ले, नेक्स्ट टाइम वी हैव अ टूर्नामेंट आई गेस वी ऑल नो वॉच आउट फॉर, डोंट फॉरगेट एवरीवन इफ यू स्टडी हार्ड मे बी यू विल बी टू विन द नेक्स्ट वन, सो क्रैक ओपन दोज बुक्स। हाँ भाई तोड़ दो भाई बुक्स को, फाड़ दो, ठीक है फाड़ दो बुक्स को। ओके आई थिंक यहीं तक था, वॉट अ टूर्नामेंट दैट बैटल बिटवीन रे एंड नोरा इन द फाइनल। Well, I was off my seat with excitement. The battle between Ray and I was pretty good to write. It was okay. The final was far better. All right. Anyone, Ray, I would like to give you this TM. हाँ भाई कुछ तो मिलना चाहिए कम से। वाह क्या भाई क्या TM दिया है भाई, भाई मुझे कुछ नहीं बोलना यार इन लोगों के लिए सच में। अब तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों के प्राइस ने भाई पूरा का पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। ओके फाइन ग्रास टाइप का जिम है हमारा पहला, जो कि अगली सिटी में होगा। ओके हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बक बक कर लिया आप लोगों ने। हाँ ओके साउथ ईस्ट सिटी कुछ में जाना है हमें, पर गाइस उस सिटी के लिए हम लोग निकलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही भाई, अगर मज़ा आया तो यार एक लाइक मार के जाना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू गुड बाय टेक केयर एंड
सायोनारा।